हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स, प्रैक्टिस शीट है हमारी 7। और ये बेसिकली हम कर रहे हैं अरहेनियस इक्वेशन पे। जो हमारा 10th क्वेश्चन है वो बिल्कुल 9th क्वेश्चन जैसा ही है, तो बिल्कुल सेम तरीके से हम इसे करेंगे। सबसे पहले हमें टेम्परेचर यहाँ पे दिया हुआ है 300 केल्विन, और 300 केल्विन पे हमारे रिएक्शन की जो हाफ लाइफ दी हुई है, मतलब 50% रिएक्शन जो कंप्लीट हो रही है वो 50 मिनट्स में हो रही है। एक और कंडीशन हमें दी हुई है जहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर है वो 350 केल्विन है, और इस कंडीशन पे जो हमारी हाफ लाइफ है वो 25 मिनट्स आ रही है। हमें रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले देखो, यहाँ से K1 की वैल्यू आएगी 0.693 बाय में टी हाफ, यानी कि 0.693 बाय में 50। राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन से K2 की वैल्यू आ जाएगी 0.693 बाय टी हाफ, और टी हाफ है हमारा 25। इक्वेशन है हमारे पास लॉग K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA बाय 2.303 R, ब्रैकेट में आ जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2। तो ये हमारे पास हमारी इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में देखो, वैल्यूज मैं पुट कर रहा हूं, तो मेरे पास आएगा लॉग 0.693 बाय में 25 डिवाइडेड बाय 0.693 डिवाइडेड बाय 50। न्यूमरेटर सेम है, कैंसिल हो जाएगा, 50 आ जाएगा ऊपर, 25 आ जाएगा नीचे। यहाँ पे EA बाय 2.303 इंटू 8.314। यहाँ पे टेम्परेचर है हमारे पास पहले वाला 300 और दूसरे वाला 350। तो ये हमारे पास देखो आ जाएगा log 50/25। यहाँ पे EA बाय 2.303 इंटू 8.314, और यहाँ पे LCM आ जाएगा 300 इंटू 350। ऊपर सॉल्व करेंगे 50 आएगा, कैंसिल हो गई, ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, ये हमारे पास log 2 0.3010, ये सारी वैल्यू डिवाइड में है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाइड बाय 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 7, कुल मिला के हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आएगा 12102 जूल पर मोल। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।